इसका होना चाहिए था, अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज यू नो आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर पूरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, टेररिस्ट थे, टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश, देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, पर ना तो मैं जानना चाहूँगा. कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है. पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो. बॉलीवुड जो क्या कहता हो क्या ना, मुझे क्या जान. मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं. ये हमारे जो जवान हैं इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना. देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहिए बताओ. हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो हम जो पटर पटर करते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके, मैंने बोल दिया कितने बार, क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ. सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है. लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए. जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं.